नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी थी, DA जो महंगाई भत्ता है वो 4% बढ़कर 38% से 4% बढ़कर 42% हो गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम पूरा आदेश भी देखेंगे, जो आदेश निकाला जा चुका है उसके संबंध में पूरी एक एक जानकारी देखेंगे। जो DA का 42% होने का आदेश जो निकाला जा चुका है उसके बारे में एक एक जानकारी देखेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से आदेश भी निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 19 जुलाई 2023, आज ही के दिन आदेश निकला है। प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में जनवरी 2023 से वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, DA में जो बढ़ोतरी हो गई है, वृद्धि हो गई है, उसका आदेश भी निकाला जा चुका है। तो शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में जनवरी 2023 से वृद्धि। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F41/2023 नियम 4 दिनांक 27 जनवरी 2023 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2023 जिसका भुगतान माह फरवरी 2023 में हुआ था, से सातवें तन्मान अंतर्गत पूर्व प्रचलित महंगाई भत्ते की दर 34% से 4% की वृद्धि करते हुए 38% स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा था। ठीक है, तो अभी तक DA कितना था सातवें वेतनमान वाले शासकीय सेवकों का? 38%। ठीक है, 38%। तो अब क्या हो रहा है, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि व दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। अवधि जब से देय है, तो सातवें वेतनमान अंतर्गत दिनांक 1/1/2023 से, मतलब कब से मिलेगा ये, 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। ठीक है, इसमें भी कैसे मिलेगा वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत कितना है, 38%। ठीक है, 38%। महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत कितना है, 4%। वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की कुल दर कितनी आएगी, 38+4 42%। मतलब सातवें वेतनमान में जो शासकीय सेवक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनका 42% 42% जो है DA हो गया है, महंगाई भत्ता हो गया है। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2023 से कुल 42% हो जाएगी। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्त अनुसार महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 1 जुलाई 2023 से, जिसका भुगतान माह अगस्त 2023 से किया जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले तो 42% DA कब से मिलने लगे हमें, जो भी जुलाई चल रहा है 1 जुलाई 2023 का, जिसका भुगतान अभी माह अगस्त 2023 में होगा, उसमें 42% बढ़कर ही DA जो है प्राप्त होगा। ठीक है, फिर अब क्या बच गया, दिनांक 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक का बच गया। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एरियर की राशि जो रहेगी, जो भी राशि बची हुई है 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक, उसकी एरियर की राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में कब कब किया जाएगा, क्रमशः माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2023 में किया जाएगा। ठीक है, तो उनका भी भुगतान जो है एरियर के रूप में कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 की अवधि में सेवानिवृत्त या मृत हो गए हैं, उन्हें नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भाग किसी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में उपयोग नहीं माना जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार उप सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से आदेश निकाला जा चुका है, और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सारे विभाग में जो है अवर सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा दी जा चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, सातवें वेतनमान का तो हमने देख लिया, अब जिनको छठा वेतनमान प्राप्त हो रहा है, जिसमें पंचायत सचिव महोदय भी हैं जिन्हें छठा वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तो उनके लिए अलग से आदेश निकलेगा, और उसमें भी समानुपातिक
जैसा इसमें 4% बढ़ा है, तो उसमें भी महंगाई को देखते हुए जो वृद्धि दर होना चाहिए परसेंट की, वो ज्यादा हो सकती है ना, 8%, 12%, 15% कुछ भी हो सकती है। तो छठो वेतनमान में भी डीए का जो है वो परसेंट बढ़ेगा, पंचायत सचिव महोदय का भी डीए बढ़ेगा। तो वो आदेश 1 से 2 दिन में जाएगा, तो मैं आपको वो भी बनाकर पोस्ट कर दूंगा, और कितना वेतन बनेगा फिर वो भी बता दूंगा आपको। तो इन सबके लिए आप मेरे साथ बने जो रही है, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।